Hello friends, today our topic is drug stability. Under drug stability, we are going to study about self-life. Okay, तो आज हम self-life के बारे में बात करेंगे. तो self-life क्या होती है drug की, वो समझ लेते हैं. तो उसके लिए एक simple definition लिखी है मैंने यहाँ पे. It is defined as the time required for the concentration of the reactant to reduce to 90% of its initial concentration. Okay, तो ये वो time period है जहाँ पे आपकी 90% concentration रह जाती है initial concentration की. Okay, तो आपके पास कोई भी drug product है और drug की जो initial 100% concentration है, अब वो 90% रह गई है. तो 10% आपका degradation होने में जो time consume हुआ, उसी को कह रहे हैं हम drug की self life. ओके, या आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ. तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिप्रेजेंट एज T90. तो T90 का मतलब यही है कि टाइम 90% अब आपका सेस रिमेनिंग रह गई है, और ये टी है टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. तो द यूनिट्स ऑफ टाइम और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू T90 इक्वल्स टू ए माइनस 0.9 ए अपॉन के ओ. तो ये जो आपका T90 है, ये तो होगी सेल्फ लाइफ, रिप्रेजेंट कर रहा है. देन ये जो ए है, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए है इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपकी 100% थी अभी, और 0.9 ए जो लिखा है आपका अभी रिमेनिंग है. तो 0.9 बचा हुआ है, 90% अभी बचा हुआ है, 10% इसमें डिग्रेड हो चुका है. और ये के ओ है जो आपका, ये है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है. देन इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करोगे इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन को, तो आपके पास आता है क्या, 0.1 ए अपॉन के ओ. तो 0.1 ए जो ये है आपकी कंसंट्रेशन, ये है आपकी डिग्रेड जो कंसंट्रेशन हो चुकी है. तो कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, कितना टाइम लगा है इसको डिग्रेड होने में, इतना कंसंट्रेशन डिग्रेड होने में, वही टाइम है आपका ड्रग की सेल्फ लाइफ. ओके, तो इसको हम इसके तरह से देख सकते हैं, आरिनियस इक्वेशन के थ्रू भी देख सकते हैं सेल्फ लाइफ को. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% ऑफ ड्रग टू डिग्रेड विद 90% ऑफ इंटैक्ट ड्रग रिमेनिंग इज बेस्ड ऑन आरिनियस इक्वेशन. ये आरिनियस इक्वेशन बेस्ड होता है कि वो कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, उसको टाइम को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अब यहाँ देखिए आप, ये इक्वेशन है log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 R मल्टीप्लाई बाई T1 मल्टीप्लाई बाई T2. तो T1 एंड T2 ये डिफरेंट टेम्परेचर हैं. ओके, जिस टेम्परेचर में हमें क्या करना है, उसकी सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करना है, ये डिग्रेडेशन देखना है. देन जो ई है, ई ए वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, देन के और जो के वन और के टू हैं, ये डिफरेंट रिएक्शन रेट हैं. और जो आर है, ये आर आपका है गैस कॉन्स्टेंट. ओके, तो ये आरिनियस इक्वेशन के थ्रू आप सेल्फ लाइफ को ईजिली डिटरमाइन कर सकते हो. देन हमारे पास ये मैंने एक ग्राफ बनाया, वो ग्राफ देख लीजिए आप. ये ग्राफ जो है हमारा सेल्फ लाइफ का ग्राफ है, जिसमें हमने क्या किया है, एक एक्स एक्सिस पे जो हमारा है, ये जो एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे हमारा है टाइम जो है इन मिनट्स. ओके, और जो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है लिखा हुआ है यहाँ पे लॉग परसेंट ड्रग अनडिकम्पोज. तो ड्रग कितना परसेंट अनडिकम्पोज है, कितना परसेंट अभी बची हुई है, ठीक है, आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या करा हुआ है, यहाँ पे ये 0.1 का डिफरेंस देते हुए एक स्केल ड्रॉ किया है, वो है आपका 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, ऐसे करते करते आपका है 2.1 तक. ऐसी जो स्केल है टाइम वाला, यहाँ पे 20-20 मिनट्स का हमने गैप रखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट आपके टेम्परेचर्स हैं, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस. तो इन डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, अपने ड्रग प्रोडक्ट को रखना है और उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको डिकम्पोजिशन देखना है. तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है. तो 40 डिग्री सेल्सियस में आप अगर 40 डिग्री सेल्सियस जो हाफ लास्ट लाइन है जो आपको देख रहे हो यहाँ पे, इसको एक्सट्रापोलेट करके यहाँ पे इस लाइन को अगर आप सीधे स्केल से करोगे, तो यहाँ आपको पता लगेगा कि 70 मिनट्स में, तो 70 मिनट्स में जो डिकम्पोजिशन हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस ड्रग का 40 डिग्री सेल्सियस पे ड्रग का, वो हुआ है आपका 1.92 के समथिंग. ओके, तो 1.9 आपकी वैल्यू अब रह गई है आफ्टर 70 मिनट्स. तो टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस, और टाइम जो कंज्यूम हुआ है वो 70 मिनट्स कंज्यूम हुआ है. तो 70 मिनट में क्या हुआ है, आपका जो 2% जो ड्रग थी आपकी, 2.0 थी, अब वो डिग्रेड होके 1.9 रह चुकी है. तो यहाँ पे 0.1 डिग्रेडेशन हुआ है, 0.1 का डिग्रेडेशन हुआ है एट 40 डिग्री सेल्सियस. ऐसी हमारे पास सेकंड है 50 डिग्री सेल्सियस. तो 50 डिग्री सेल्सियस वो डिग्रेडेशन जो है वो, इसको अगर इसके एक्सट्रापोलेट करोगे तो वही आएगी रीडिंग आपकी 1.8 तक. ओके, तो 70 मिनट्स में अगर हम अपने प्रोडक्ट को
50 डिग्री सेल्सियस पे 70 मिनट्स के रखें तो जो उसका डिग्रेडेशन हुआ है 1.8 हुआ है, मतलब ये 2 से इनिशियल कंसंट्रेशन जो 2.0 थी वो अब हो चुकी है 1.8, तो यहाँ पे जो डिग्रेडेशन हुआ है 0.2 का हुआ है। देन 60 डिग्री सेल्सियस जो डिग्रेडेशन हुआ है ड्रग का वो हुआ है आपका 1.7, तो 1.7 डिग्रेड हो गया आपकी ड्रग 2.0 से 1.7 आफ्टर 70 मिनट्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन 70 डिग्री सेल्सियस जब हमने ड्रग को रख रहे हैं तो 70 डिग्री सेल्सियस पे और आफ्टर 70 मिनट्स तो ड्रग का डिग्रेडेशन जो हुआ है 1.5 हो चुका है अब, मतलब 2 से इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे 1.5, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो है 0.5 का। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो ये स्केल है, अगर इस स्केल में नीचे की तरफ आए हम तो यहाँ दिखता है कि डिग्रेडेशन कितने पॉइंट्स का हुआ है, कितना कंसंट्रेशन उसकी अब डिग्रेड हो चुकी है। और अगर इस तरफ देखें तो ये दिखा रहा है हमें कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही ज़्यादा उसी रेशियो में क्या हो रहा है, उसी रेशियो में आपका ड्रग डिग्रेड हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उतना ही उसी रेस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा, ड्रग का डिग्रेडेशन होगा। ओके, यहाँ पे टाइम सेम है, 70 मिनट्स में ही आपका क्या हो रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको ड्रग रख रहे हो और उसकी डिकम्पोजिशन को चेक कर रहे हो, तो ये ग्राफ हमें ये बताता है। देन है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती क्या है। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब यहाँ होता है कि अगर आप अपने ड्रग या किसी प्रोडक्ट की पोटेंसी को चेक कर रहे हो या उसकी डिकम्पोजिशन को चेक कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, या फिर आप एक बात कह सकते हो जब आपने ड्रग को फॉर्मुलेट किया है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम चेक कर रहे हैं ड्रग की पोटेंसी को विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल कंडीशन, अगर वो सेम होती है तो हम ये कहते हैं कि उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी है या ड्रग आपकी स्टेबल है। और स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ड्रग की पोटेंसी चेक कर सकते हैं, ड्रग का डिकम्पोजिशन चेक कर सकते हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस में हम बताते हैं कि ड्रग हमारी अब पोटेंट है या नहीं है या फिर उसमें डिग्रेडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सेल्फ लाइफ इससे डिटरमाइन होती है। देन सेकंड है आपका यहाँ पे एक पॉइंट है वो है एसिलेटेड। तो एसिलेटेड का मतलब ये होता है कि डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद आपके ड्रग को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम रख रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट कंडीशन वहाँ कौन कौन सी हो सकती है, एक तो हम उसकी डिफरेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करके, डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम अपने ड्रग प्रोडक्ट को उसके डिकम्पोजिशन को देख सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। ओके, तो इसकी एक डेफिनेशन ले लेते हैं ब्रीफ, वो है एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डिजाइंड टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी एंड हैंस सेल्फ लाइफ ऑफ फॉर्मुलेशन अंडर नॉर्मल एंड रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन बाय कैरिंग आउट द स्टडी अंडर एसिलेटेड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर मॉइस्चर एंड लाइट। ओके, तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डिजाइंड टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए काम आती है और सेल्फ लाइफ प्रिडिक्ट करने के लिए आपकी फॉर्मुलेशन की, उसको क्या करेंगे हम एक डिफरेंट रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन में रखेंगे और वहाँ पे जो कंडीशंस क्या होंगे, क्या क्या वेरिएशन होगा, टेम्परेचर में, मॉइस्चर में और लाइट में जो वेरिएशन होगा। तो इसके लिए मैंने आपका एक टाइप्स का चार्ट बनाया है, वो चार्ट ये है आपका टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ओके, तो स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे डिफरेंट स्टडी के टाइप्स हैं, कौन कौन सी स्टेबिलिटी टेस्टिंग हम कर सकते हैं एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर, वो थ्री टाइप्स के मेन। पहला है लॉन्ग टर्म जिसको हम एम्बिएंट भी कहते हैं, सेकंड है आपका इंटरमीडिएट स्टडी उसको हम कंट्रोल्ड भी कहते हैं, थर्ड है आपका एसिलेटेड शॉर्ट टर्म। ओके, एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग और शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने आपका ये देखो कि फर्स्टली तो यहाँ स्टडी लिखा है, सेकंड लिखा है मैंने स्टोरेज कंडीशन, थर्ड लिखा है टेस्टिंग टाइमिंग इन मंथ्स और फोर्थ लिखा है मिनिमम टाइम पीरियड कवर्ड बाई डेटा टू सबमिशन। ओके, तो स्टोरेज कंडीशन कौन सी प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म एम्बिएंट में, हम स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करेंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है उसमें ऊपर नीचे। उसके बाद 60% RH ह्यूमन वे, ये आपकी RH जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैल्यू है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जहाँ 100% ह्यूमिडिटी है उसकी 60% ह्यूमिडिटी। ओके, तो 60% ह्यूमिडिटी का मतलब है आपके पास अगर कोई चैम्बर है जहाँ पे आप क्या कर रहा है 60% ह्यूमिडिटी मेंटेन करी है, मतलब वहाँ का जो एरिया है वो 60% ह्यूमिड है, उसको ये कह रहे हैं वहाँ पे 60% ह्यूमिडिटी, ये प्लस माइनस आपकी 5 डिग्री सेल्सियस 5% रख सकते हो। देन सेकेंड है आपका
टेस्टिंग टाइमिंग इन मंथ्स, तो इसकी जो लॉन्ग टर्म एम्बियंट स्टडी होती है उसकी टाइमिंग जो होती है 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ, 48 मंथ्स और 60 मंथ। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 3 threes का डिफरेंस है, और उसके बाद जब हम 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम 6 6 मंथ का डिफरेंस रखते हैं, 6 मंथ का, देन 12 मंथ्स का डिफरेंस रखते हैं। देन मिनिमम टाइम पीरियड कवर्ड बाय डेटा टू सबमिशन। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी को उससे प्रिडिक्ट करना है ड्रग की सेल्फ लाइफ या फिर उसकी पोटेंसी और डिकम्पोजिशन को, तो हमें मिनिमम 12 मंथ की स्टडी दिखानी पड़ती है, डाटा सबमिट करना पड़ता है 12 मंथ का, 12 मंथ के लिए होती है स्टडी। तो लॉन्ग टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और 12 मंथ मिनिमम टाइम है। सेकंड है आपका इंटरमीडिएट स्टडी। तो इंटरमीडिएट स्टडी में आपने स्टोरेज कंडीशन जो प्रोवाइड करी है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है, प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 60% है और ये प्लस माइनस 5%, और यहाँ पे टेस्टिंग टाइमिंग इन मंथ जो है आपका 3 3 का डिफरेंस है, 3 6 9 और 12। तो यहाँ जो मंथ की जो मंथ का जो गैप है वो सेम होता है लॉन्ग टर्म में भी और इंटरमीडिएट, बट इंटरमीडिएट में जो आपका डाटा ओनली चाहिए हमें, ओनली 6 मंथ का डाटा सफिशेंट होता है टू प्रिडिक्ट एनी काइंड ऑफ सेल्फ लाइफ और डीकम्पोजिशन ऑफ योर ड्रग। देन एसोलेटेड, ये थर्ड स्टडी, थर्ड टाइप की स्टडी है, इसको हम शॉर्ट टर्म स्टडी कहते हैं। इसमें स्टोरी कंडीशन जो आपने प्रोवाइड करी है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमने बढ़ा दिया है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी यहाँ पे है 75%, ओके, प्लस माइनस 5%। अब यहाँ टाइम टेस्टिंग मंथ जो है वो आपका कम है, गैप इसमें कम है, तो 0 इनिशियल टाइम, और देन 1 मंथ, 2 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ और 9 मंथ। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें ही हमें क्या करते हैं, ड्रग की सैम्पलिंग करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ड्रग में डिकम्पोजिशन हुआ है या नहीं हुआ है, ड्रग की पोटेंसी अभी चेंज हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए जो एसिडिटी टेस्टिंग करते हैं उसके लिए मिनिमम जो टाइम हमारे डेटा सबमिशन के लिए चाहिए वो 6 मंथ होना ही चाहिए, इसके बाद हम अपने डेटा को सबमिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।